Welcome to my channel English Vogues. Thank you for clicking this video and today I have brought to you a very important topic. आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही important topic. मेरे एक follower है रेहान बुखारी, उन्होंने request की थी कि मैं ये topic को deal करूँ, the difference between was, were and had. तो आज हम ये topic देखने जा रहे हैं कि क्या difference है was, were and had में. So let's begin with this topic. तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉज एंड वर. सो इसका डेफिनेशन सबसे पहले हम देखेंगे. ये डेफिनेशन इसका बताता है कि वॉज एंड वर दे एक्सप्रेस एग्जिस्टेंस, कंडीशन और क्वालिटी. या जी हाँ, यानी ये अस्तित्व को बताता है और कंडीशन और क्वालिटी को. लेकिन इसका यूज हम पास्ट में देख रहे हैं. वॉज और वर पास्ट में यूज होता है. और याद रखिए, वॉज जो है वो आई और सिंगुलर थर्ड पर्सन, जैसे ही शी इट या सिंगुलर जो नाउन है उनके साथ यूज होगा. और वर यू वी दे एंड प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन्स के साथ यूज होगा. सो देखिए फर्स्ट सेंटेंस को यहाँ पर मैंने लिखा है. और एक बात और याद रखिए कि वॉज एंड वर फॉलोड बाय नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब. अगर ये इसके बाद नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब आते हैं तो ये अपनी मीनिंग एग्जिस्टेंस की देगा या कंडीशन बताएगा या क्वालिटी को बताएगा. सो फर्स्ट सेंटेंस किसको डील कर रहा है, देखिए. ही वॉज अ डॉक्टर. यहाँ पर डॉक्टर इज अ नाउन, देखिए. तो यहाँ पर वॉज नाउन के साथ आया, यानी वो एक डॉक्टर था. शी वॉज हैप्पी, यहाँ पर हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव है, ये नाउन हुआ. ओके, सो मीन्स ये कंडीशन को बता रहे हैं कि शी वॉज हैप्पी, हर स्टेट, हर कंडीशन. ओके, देन यू वर एस्लीप. यहाँ देखिए यू हमारा सब्जेक्ट है तो हम इसके साथ वर ले रहे हैं. और एस्लीप भी एक कंडीशन है कि वो सोया हुआ था. द चाइल्ड वॉज क्यूट, दिस इज ऑल्सो अ सिंगुलर नाउन, दैट इज वाई वॉज वी हैव टेकन. ओके, सो बच्चा क्यूट था, आप कहते हैं. जनरली द चिल्ड्रन आर वेरी क्यूट. देयर वॉज अ किंग, देखिए यहाँ पर एक यूज देखिए कि देयर का यूज है. ओके, जैसे हम कहते हैं इट इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी देयर. मैं किसी अपने वीडियो लेक्चर में आइंदा इसको डील करूंगा सेपरेटली. लेकिन यहाँ देखिए कि ये किंग अ नाउन, देयर वॉज अ किंग, आप कहते हैं ना एक राजा था. सो इट डजेंट से लाइक अ किंग वॉज, जनरली पीपल गेट कन्फ्यूज. उसको ऐसे कहते हैं कि देयर वॉज अ किंग. एंड द लास्ट इज आई वॉज फाइन, मैं अच्छा था. आप कहते हैं हाँ आई वॉज फाइन दैट टाइम. ओके, सो अगर इसमें आपको नेगेटिव बनाना है तो आप इन हेल्पिंग वर्ब्स को, यानी वॉज वर्ब को आप नॉट लगा दें तो नेगेटिव हो जाएंगे. जैसे शी वॉज नॉट हैप्पी, आप बोलेंगे वो खुश नहीं थी. शी वॉज नॉट हैप्पी. ओके, एंड आई वॉज नॉट फाइन यस्टरडे, यानी कल मैं ठीक नहीं था. आप कहते हैं इस तरह से लाइक दिस. ओके, सो नाउ लेट्स सी द अनदर टॉपिक, दैट इज हैड. आइए हैड का यूज देखते हैं. देखिए हैड एक, यहाँ पर हम जो यूज देख रहे हैं वो यहाँ पर जो अपनी मीनिंग देगा वो होंगी पोजीशन या ओनरशिप. जी हाँ, पोजीशन एंड ओनरशिप, यानी कोई चीज़ आपके पास थी. आप इसको ऐसे ट्रांसलेट करते हैं कि कोई चीज़ आपके या किसी के पास थी. सो इसको अंग्रेजी में, इंग्लिश में हम इसे पोजीशन या ओनरशिप कहते हैं. मीन्स व्हाट आई हैड बट इन द पास्ट. पास्ट में आपके पास क्या चीज़ थी. ओके, एक बात याद रखिए कि इफ़ हैड इज फॉलोड बाय नाउन देन ओनली इट विल गिव द मीनिंग ऑफ पोजीशन और ओनरशिप. यानी अगर हैड के बाद नाउन आए तो ही वो अपनी मीनिंग पोजीशन देगा या ओनरशिप की, आप वरना उसको वैसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते. क्योंकि हैड पास्ट परफेक्ट में भी यूज होता है. आप मेरा एक वीडियो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, वहाँ वो एक्शन के कंप्लीशन को, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस को बताता है. लेकिन यहाँ देखिए हैड के बाद आपको नाउन नजर आएंगे. ओके, सो एक फर्स्ट सेंटेंस को देखिए. और एक ख़ास बात और कि हैड इज अ कॉमन हेल्पिंग वर्ब हियर, ये सब के साथ सेम हैड ही आएगा. जैसे आई हैड 100 रुपीज, देखिए यानी मेरे पास 100 रुपये थे. मीन्स आई डोंट हैव नाउ, आई हैड. शी हैड अ बुक, उसके पास एक किताब थी, एक पुस्तक, एक बुक थी. माय ग्रैंडफादर हैड 100 एकर्स लैंड, यानी मेरे दादाजी के पास 100 एकड़ ज़मीन थी. एंड ही हैड अ बंगलो, उसके पास एक बंगलो, बंगला था. आप कहते ना ही हैड अ बंगलो. एंड यू हैड ग्रेट अपॉर्चुनिटी,
यानी आपके पास एक बहुत बड़ा मौका था, यू डिड नॉट कैश इट आउट, आपने उसका फायदा नहीं उठाया. सो लाइक दिस, ये हम अफर्मेटिव में देखते हैं. अगर आप इसको नेगेटिव में देखना चाहेंगे तो आप इसको हैड नॉट के साथ भी सेंटेंस बोल सकते हैं, फर्स्ट दैट यूज हैड नॉट, ओके. या आप डिड नॉट अगर लेंगे इसके साथ तो आपका ये हैड हैव हो जाएगा. यानी आपके सेंटेंस ऐसे हो सकते हैं अगर आप हैड नॉट को ले कि आई हैड नॉट 100 रुपीज़, मेरे पास 100 रुपये नहीं थे. और उसी सेंटेंस को आप कह सकते हैं कि आई डिड नॉट हैव 100 रुपीज़. ओके, सो दिस वॉज अबाउट यूज ऑफ हैड. सो दिस वॉज अबाउट द यूज ऑफ was, were and had. I hope you have got it and you will keep watching and enjoy it. So do subscribe my channel, like, share and comment. Thank you very much. Have a good day.